वही कटनी जिले के रीठी स्थित भगवान बजरंग बली के प्रसिद्ध धाम मुहास मंदिर के खजाने को जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार को 5.5 साल के बाद खोला गया। बता दें कि मंदिर के खजाने से इतने सिक्के और नोट निकले कि आधा सैकड़ा कर्मचारियों को नोटों और सिक्कों की गिनती करने में 11 घंटे लग गए। खजाने से निकली राशि की गिनती जिला कलेक्टर अवि प्रसाद के देखरेख में SDM प्रदीप मिश्रा के द्वारा करवाई गई। नोट की गिनती करने के लिए जहां जिला प्रशासन के कर्मचारी तैनात रहे, वहीं सिक्कों की गिनती करने के लिए वानर सेना रूपी बच्चों को भी इस काम में लगाया गया। इस दौरान SDM प्रदीप कुमार मिश्रा ने बताया कि न्यायालय में प्रकरण होने के कारण पिछले 5.5 सालों से मुहास मंदिर के खजाने को खोला नहीं गया था, अब खोला गया है और लगभग 35 लाख से अधिक की राशि दान पेटी में मिली है जो सिक्के और नोटों के रूप में है। माननीय हाईकोर्ट और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने दान पेटी मुहास मंदिर की खोली और इसमें हमारे 20 पटवारी, 20 सचिव, 10 मास्टर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बानर सेना माने बच्चे 30 बच्चे लगे और 50 दर्शनार्थी, इन सब ने मिलकर रिकॉर्ड 11 समय में 34,52,000 रुपये गिन के पूरी काम कर लिया है और आज उसको बैंक में भी जमा कर दिया है।